कोरोना की दूसरी लहर के बीच जहां पूरा देश लगातार इसकी चपेट में आ रहा है, इस जंग से लड़ने में हर संभव मदद कर रहा है, वहीं अब बॉलीवुड के कुछ सितारे एक बार फिर से लोगों की मदद को आगे आए हैं। ऐसे में बॉलीवुड के सिंगर अजय देवगन और खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने एक बार फिर आम जनों के अंदर कोरोना मरीजों की मदद करने का फैसला किया है। अजय देवगन ने शिवाजी पार्क में बन रहे एक इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए मदद कर रहे हैं। वहीं बीएमसी ने शिवाजी पार्क स्थित भारत एंड स्काउट गाइड हॉल को 20 बिस्तरों वाला कोविड-19 सेंटर में तब्दील कराने का फैसला किया है, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य तमाम तरह की सुविधाओं का समावेश होगा। इस सेंटर की स्थापना के लिए अजय देवगन ने अपनी सामाजिक संस्थान अनवाई फाउंडेशन के माध्यम से बीएमसी की आर्थिक मदद करने का निर्णय भी लिया। वहीं अक्षय कुमार के साथ उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने भी देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लोगों की मदद के लिए करीब 100 ऑक्सीजन कंटेनर दान करने का फैसला किया। ट्विंकल ने भी यह जानकारी दी है। हमारे साथ साथ लंदन के भारतीय मूल के दो डॉक्टर्स ने 120 ऑक्सीजन कंटेनर्स दान करने का फैसला किया, तो अब मदद के लिए कुल 220 ऑक्सीजन कंटेनर्स बांटे जाएंगे। वहीं इससे पहले अक्षय ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन में 1 करोड़ रुपए दान किए, जिसके बाद गौतम गंभीर ने ट्वीट करके अक्षय कुमार का धन्यवाद भी किया था। बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने की जानकारी हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए साझा की। आयुष्मान खुराना और पत्नी ताहिरा कश्यप ने भी कोरोना मरीजों की मदद के लिए मुख्यमंत्री निधि में आर्थिक मदद करने का ऐलान किया था। अब आपको बता दें कि देश के अंदर स्थिति देखते हुए सभी बॉलीवुड कलाकार आगे आते नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।